पूरी दुनिया में मोदी सरकार की थू-थू हो रही है कि आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज आप पूरी दुनिया के अखबारों को उठा के देखिए, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में, आज सब अखबारों में यह हेडलाइन है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा या भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है। अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल के विचार को कैसे जेल में डालोगे? आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने देशभक्ति की चिंगारी से देश के हजारों लाखों लोगों में देशभक्ति की आग जलाई है, उस आग को कैसे जेल में डालोगे, उस देशभक्ति को कैसे जेल में डालोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा करने के बाद जो गिरफ्तार किया, तो उन्होंने साथ साथ एक और घोषणा भी कर ही दी। उन्होंने पूरे देश को और पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिरकार मोदी जी का नाश कौन करेगा, जहां उनको पता है कि कौन ऐसा नेता है जो उनको खत्म करेगा। जैसे रावण ने पहचान लिया था कि उसका नाश भगवान श्री राम करेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचान लिया है कि उनका नाश अरविंद केजरीवाल करके ही रहेंगे। आज का मौका, आज का ये समय सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। यह एक ऐसा समय है जहां पर पूरी दिल्ली, पूरा देश और पूरी दुनिया हम सब की तरफ देख रही है कि भारत में आज लोकतंत्र बचेगा कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आप पूरे दुनिया के अखबारों को उठा के देखिए, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में, चाहे बीबीसी हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आज सब अखबारों में यह हेडलाइन है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा या भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस देश की आजादी में यह पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, ना सिर्फ एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास 70 में से 62 सीटें हैं, भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है, एक फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में मोदी सरकार की थू-थू हो रही है कि आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने पूरे पिछले 10 साल में देखा है कि मोदी सरकार जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, किसी ना किसी तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश करती है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू कर देते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर कर देते हैं, ऑपरेशन लोटस शुरू कर देते हैं और वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। जहां पर विधायकों को खरीद नहीं पाते, वहां पे अपने दो गुंडों ईडी और सीबीआई को विधायकों के पीछे छोड़ देते हैं, उन पार्टी विपक्षी पार्टी के नेताओं के पीछे छोड़ देते हैं। वो सीबीआई के केस करते हैं, वो ईडी के केस करते हैं, वो नेताओं के घर में छापे मारते हैं, उनके परिवार के लोगों के घर में छापे मारते हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो अपना सर झुकाकर इन केसेस से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। सीबीआई और ईडी जाके न्यायालय में कहती है कि हमारी तो फाइल गुम गई, इसलिए हम केस खत्म कर रहे हैं। तो एक एक करके सारे
विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने झुका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। लेकिन अगर कोई एक पार्टी है जिसको हर प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी झुका नहीं पाई है, तोड़ नहीं पाई है, तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है और वो नेता अरविंद केजरीवाल है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को सलाम करती हूं जो इतने लंबे समय से जेल में हैं झूठे केसेस में, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे विजय नायर हो, जो साल भर से ज्यादा तिहाड़ जेल में कैद हैं, लेकिन अभी तक झुके नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, अभी तक इस देश के लिए अपनी सेवा के लिए कायम है। और ना सिर्फ मैं इन पार्टी के नेताओं को, मैं इन सबके परिवारों को भी सलाम करती हूं कि उनके घर परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कितनी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार जनों से आज तक यह शब्द नहीं निकला कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी में आके गलती की। आज भी हर विकट परिस्थिति में मनीष सिसोदिया जी की पत्नी की तबीयत इतनी खराब रहती है, लेकिन जब भी कोई उनसे बात कहता है वो कहती हैं कि मनीष जी जितने दिन चाहे जेल में रहे वो कभी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। इतने प्रयासों के बाद जब आम आदमी पार्टी झुकी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता झुके नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि अब हमारे पास एक ही चारा बचा है कि आम आदमी पार्टी को झुकाने का और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। इसीलिए ईडी का झूठा केस करके, सीबीआई का झूठा केस करके, बिना किसी प्रमाण के चुनाव की घोषणा के बाद रात के अंधेरे में आकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनको लगा कि आम आदमी पार्टी वाले अब खत्म हो जाएंगे, उनको लगा कि आम आदमी पार्टी वाले झुक जाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले दब जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है। अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल के विचार को कैसे जेल में डालोगे? आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने देशभक्ति की चिंगारी से देश के हजारों लाखों लोगों में देशभक्ति की आग जलाई है, उस आग को कैसे जेल में डालोगे, उस देशभक्ति को कैसे जेल में डालोगे? आज मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं कि वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे तो हजारों अरविंद केजरीवाल इस देश की सड़कों पर उतरेंगे, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा करने के बाद जो गिरफ्तार किया, तो उन्होंने साथ साथ एक और घोषणा भी कर ही दी। उन्होंने पूरे देश को और पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिरकार मोदी जी का नाश कौन करेगा। ये खबर उन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचा दी कि कौन सा एक नेता है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिससे डरते हैं, जहां उनको पता है कि कौन ऐसा नेता है जो उनको खत्म करेगा। जिस दिन अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई, वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे थे, किसी को बताना नहीं पड़ा, लेकिन एक ही सुर में वहां पे सबके मुंह से एक ही नारा गूंजा, मोदी तेरा एक ही काल, मोदी तेरा एक ही काल, मोदी तेरा एक ही काल। जैसे कंस ने अपने विनाश
को पहचान लिया था कि उसका विनाश भगवान श्री कृष्ण करेंगे, जैसे रावण ने पहचान लिया था कि उसका नाश भगवान श्री राम करेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचान लिया है कि उनका नाश अरविंद केजरीवाल करके ही रहेंगे, इस देश के संविधान को बचा के ही रहेंगे। मैं आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि आज दिल्ली के सभी हिस्सों से हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, आप सबको दिल्ली वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेके जाना है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है तब से दिल्ली वालों के मन में एक शंका पैदा हो गई है। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हमें फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, अच्छे स्कूल दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिया है, अच्छा इलाज दिया है। तो आज सब दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद काम रुक जाएंगे, ये सबके मन में एक शंका है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, दिल्ली वालों को यह बताना है कि दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा, काम जितनी तेजी से हो रहे थे उससे ज्यादा तेजी से होंगे। आज ही सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे वाटर मिनिस्टर, जल मंत्री होने के नाते ईडी की हिरासत से निर्देश भेजा कि गर्मी आ रही है, पानी की समस्या हो सकती है, ये इंश्योर करना है कि कहीं पे पानी की समस्या ना हो, जहां पानी की कमी है वहां पे वाटर टैंकर भिजवाएगा। जब मैंने वो कागज पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा ये आदमी किस मिट्टी का बना है, इतनी विकट परिस्थिति में खुद हिरासत में होते हुए, जानते हुए कि एक तानाशाह ने उसे जेल में डाल दिया है, ये आदमी अरविंद केजरीवाल अपने बारे में नहीं सोच रहा, दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है, अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोच रहा, दिल्ली वालों की समस्याओं के बारे में सोच रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ही है जो ये नहीं सोचते कि मैं सिर्फ दिल्ली वालों का मुख्यमंत्री हूं, ये अरविंद केजरीवाल है जो सोचते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, वो एक बेटे की तरह सोचते हैं, वो एक भाई की तरह सोचते हैं, वो एक पिता की तरह सोचते हैं, और विरासत में होते हुए भी 2 करोड़ दिल्ली वालों के लिए सोचते हैं। तो आप सबको ये संदेश लेके जाइएगा कि चाहे अरविंद केजरीवाल विरासत में हैं, लेकिन आज भी उसी तरह से वो दिल्ली वालों के हर काम पे निगरानी रख रहे हैं, हर काम करवा रहे हैं जैसे वो पहले करवाते हुए आए हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी उस दिन कोर्ट में आए थे तो किसी मीडिया वालों ने उनसे कोई सवाल पूछा, उन्होंने बस एक ही वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि चाहे मैं जेल के अंदर रहूं या मैं जेल के बाहर रहूं, मेरा जीवन इस देश के लिए समर्पित है, ये है अरविंद केजरीवाल। और क्योंकि हम सब ने भी अपमान लिया है कि हम भी केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल हूं, तो आज हम सबको इस प्रण लेके यहां से, इस प्रांगण से जाना है कि चाहे हम अंदर रहें, चाहे हम बाहर रहें, चाहे हम पे कितना अत्याचार हो, चाहे हम पे कितनी लाठियां चले, चाहे पुलिस हमें उठाकर बार बार थाने में डाले, लेकिन हमारी शरीर का हर कतरा कतरा इस देश के लिए समर्पित है, इस संविधान के लिए समर्पित है, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। एक जोरदार नारा लगाएंगे क्योंकि अब ये लड़ाई हमें और मजबूती से लड़नी है, अरविंद केजरीवाल के सिपाही होने के तौर पे लड़नी है, खुद अरविंद केजरीवाल होने के नाते लड़नी है। तो मैं ये नारा लगाऊंगी, लड़ेंगे, और आप अपनी मुट्ठी तान के जवाब देंगे कि जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।